करोड़ों के विकास के दावे खोखले। विकास के नाम पर जनता को किया जा रहा है गुमराह। कालका से टागरा की ओर बने पुल की हालात बदतर। बारिश में टूटने के कगार पर भाजपा नेताओं द्वारा कालका विधानसभा में करोड़ों के विकास का दावा किया जाता है, परंतु धरातल पर करोड़ों के विकास के दावे खोखले साबित हो जाते हैं। यह कहना है हरियाणा किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन विजय बंसल का। बंसल ने कहा कि सातों टागरा गांव, पपलोहा, बाढ़ गोदाम, रंडू, खेड़ावली, लेही समेत लगभग 25 गांवों को कालका से जोड़ने वाला पुल अब सरकार की अनदेखी व कमजोरी नेतृत्व के कारण जनता के लिए जानलेवा बन चुका है, जो कि कभी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। बंसल ने बताया कि कालका मिल मोड़ से टागरा की ओर जाने वाले पुल से आए दिन क्षेत्र के काफी लोग गुजरते हैं व प्रशासनिक कामों व अन्य कार्यों के लिए ग्रामीण इसी रास्ते से आते जाते हैं, परंतु सरकार द्वारा इतने महत्वपूर्ण रास्ते की अनदेखी जनता के साथ भेदभाव व जान जोखिम डालने में है। बारिश के मौसम में पुल पर पानी खड़ा हुआ है, जिससे पुल धंसना भी कहीं न कहीं शुरू हो चुका है।